हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज एक नए वीडियो में आपके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि देखिए कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कीमत बहुत कम होती है और आप अपने स्वास्थ्य को उन फूड्स की वजह से आसानी से अच्छा बना के रख सकते हैं। सबसे पहले बारी आती है केले की। देखिए, हमारे देश में केला सब जगह भरपूर मात्रा में मिलता है और सबसे सस्ता मेरे ख्याल से फल है, और इसकी वजह से, इसकी सस्ता होने की वजह से ये ना सोचें कि ये अच्छा सेहत के लिए नहीं है। ये बहुत अच्छा फल है, आप अच्छी मात्रा में रोज के 2-3 केले आसानी से खा सकते हैं। देखिए, केले में पोटेशियम होता है, मैग्नीज होता है, विटामिन सी होता है। इसके साथ साथ ये केला जो है, ये ब्रोंकियल आस्मा में, हार्ट डिजीज़ में, ब्लड प्रेशर में और डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपकी पाचन क्रिया में बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए, ये आम गलत धारणा है कि केला खाने से बलगम बन जाएगी, खांसी जिसको आती है वो केला नहीं खाना चाहिए। ये विचार बहुत गलत है। आप केला हर बीमारी में, अगर आपको उल्टियाँ नहीं लगी हुई तो ये आप आसानी से खा सकते हैं। ये बहुत पौष्टिक पदार्थ है। आपने देखा होगा कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जब वो उनको ब्रेक मिलता है उसके बीच में वो अक्सर केला खाते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। और जो डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं वो भी केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक शर्त है कि वो बहुत पका हुआ केला ना खाएं, जिसका हरापन हो और थोड़ा सा पका हुआ हो वो केला वो खा सकते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स भी केले का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। फिर देखिए, मूंगफली है। मूंगफली आमतौर पे कहा जाता है ये पुअर्स मैन प्रोटीन है, लेकिन आप ये देखिए, एक मुट्ठी अगर आप मूंगफली का दाना और एक मुट्ठी बादाम खाते हैं, लगभग दोनों की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बराबर है। आप अचंभित हो जाएंगे ये सुनकर, लेकिन ये साइंस कहती है कि दोनों का जो फायदा जो शरीर को मिलना है वो बराबर का है। लेकिन हाँ, बादाम महंगे आते हैं, रिच मैन डाइट है, लेकिन एक आम आदमी मुट्ठी भर के अगर मूंगफली खाता रहे तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, वो फायदा ही करेंगे। और देखिए, मूंगफली से कोलेस्ट्रॉल भी डाउन होता है और एक अच्छा एक प्रोटीन का सोर्स भी है। तो मेरी एक राय है कि सर्दियों के मौसम में सब लोगों को एक मुट्ठी मूंगफली का दाना, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते वो उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते। फिर देखिए, गुड़ की बारी आती है। गुड़ जो है ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, आपको कार्बोहाइड्रेट का भी सोर्स है और ये आयरन का भी सोर्स है। ये खून को भी साफ करता है, और अगर आप मूंगफली और गुड़ एक पूरा फूड बन जाता है, अगर ये मिलाकर जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, जिनके पास बहुत कम रकम है, तो वो गुड़ और चना और या मूंगफली ये मिला के खा लें, तो मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि उन्हें कभी आयरन की कमी नहीं होगी, उन्हें प्रोटीन की कमी नहीं होगी, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी नहीं होगी और वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे, उन्हें कभी भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा शरीर का। तो केला, मूंगफली और मैंने आपको बताया गुड़। अब बारी आती है, देखिए, पालक। पालक लोग इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा, मैंने बहुत बार देखा है लोग पालक मार्केट से नहीं खरीदते। ये एक बहुत अच्छी सब्जी है जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। आप पालक का इस्तेमाल करें, हफ्ते में 1-2 दिन ज़रूर पालक खाइए। इसमें आयरन होता है और आपको कभी भी अनीमिया नहीं होने देगा, पेट बहुत अच्छा साफ रखेगा, कब्ज नहीं होने देगी। तो हर व्यक्ति को हर हफ्ते में कम से कम 2 बार पालक, 1-1 पाव जरूर खानी चाहिए। इससे आपका पेट भी साफ और आपकी खून की कमी भी पूर्ति होती रहेगी। और इसके बाद चलते हैं सोयाबीन के ऊपर। देखिए, सोयाबीन भी एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। ये हमेशा आप देखते, हर आदमी लगभग 60 ग्राम प्रति सप्ताह सोयाबीन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आमतौर पे जो मीनोपॉजल लेडीज़ होती हैं, जिनको मेंसेस बंद हो गई हैं, उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें इस्ट्रोजन पैदा करने की ताकत होती है और उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस से भी, हड्डियों की कमजोरी से भी, ये जो सोयाबीन है ये बचा लेता है। और इसके लिए, इसको बनाने के बड़े आसान तरीके हैं, और जो लोग
नॉन वेजिटेरियन है और अगर उन्हें नहीं कुछ खाने को मीट मसाला मिलता है तो आप सोयाबीन की फुलवड़ियाँ भी खाएं और उसको मीट मसाला में बना के खाएं, तो कोई जज नहीं कर सकता कि हम नॉन वेज खा रहे हैं या कि एक वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये सोयाबीन भी एक बहुत अच्छा फ्रूट है, सॉरी एक अच्छी सब्जी आप इसको बना के खा सकते हैं। फिर देखिए दालें आती हैं, दालें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन की मात्रा होती है, इसकी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दालें जस्ती चने की दाल बहुत सस्ती में मिलती है, आप इसे खाएं। और आम तौर पे दालों को डिफरेंट दालें हर सप्ताह में डिफरेंट दाल बना के अगर आप खाते रहेंगे, सब्जियों के साथ दाल का खाना भी बहुत ज़रूरी है। और पालक और दाल मिलाकर आप खाएं तो एक बैलेंस्ड फूड सा बन जाता है, सब्जी भी आ गई और साथ में दाल का इस्तेमाल भी होने से आपको सेहत में, साथ में चपाती खाइए, आप कभी भी प्रोटीन डेफिशिएंसी से सफ़र नहीं करेंगे। फिर देखिए शकरकंदी बहुत सस्ता फल है, लेकिन आम तौर पे जो लाल रंग की शकरकंदी आपको मिले तो आप उसका इस्तेमाल करें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी सेहत के लिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, विटामिन ए मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा और विटामिन के की मात्रा शकरकंदी में बहुत अच्छी होती है, तो आप शकरकंदी का भी खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जितनी जो भी सब्जियां हैं अगर वो लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो आपकी आयरन की कमी भी उससे पूर्ति होती रहेगी। तो एक ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये उन लोगों के लिए बनाया जिनके पास पैसा कम है लेकिन वो उन्हें मालूम नहीं होता कि उन्हें क्या खाना चाहिए। अब देखिए गोभी इतनी महंगी सब्जी आती है वो मत खाइए, मटर मत खाइए, लेकिन पालक तो सस्ती है, मूली शलगम के पत्ते तो आपको आसानी से मिल जाते हैं, आप उनकी सब्जी बना के खाइए, आलू के साथ मिला के खाइए, तो आपको वही पूर्ति मिलेगी जो एक अच्छी सब्जी से, जो बहुत महंगी सब्जियां होती हैं उनसे वो पूर्ति कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।